अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट नासिर खान एक और एपिसोड लेके हाजिर है। पिछली किस्त में हम प्रिंस अल्बर्ट से रवाना हुए थे और अपने सफ़र का इख्तिताम किया था हमने हिंटन अल्बर्टा में, और आज हम हिंटन अल्बर्टा से रवाना होके सिएटल वाशिंगटन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत हिंटन शहर और सामने नज़र आते हुए रॉकी माउंटेंस बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। जैसे जैसे पहाड़ करीब आ रहे हैं मंज़र बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। ये इलाका दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्तों में से एक है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन झीलें, जंगल, पहाड़ और आबशारें मौजूद हैं। तो यहाँ पे आके इंसान के पास वक्त हो और इसको एक्सप्लोर करे तो बहुत ही शानदार इलाका है। इसको और एक्सप्लोर करेंगे आगे के व्लॉग्स में। आउटडोर एंथुजियास्ट के लिए ये एक जन्नत है। यहाँ पे जगह जगह मुख्तलिफ वॉकिंग ट्रैक्स हैं और उसके अलावा बहुत सी कैंपिंग साइट्स हैं। समर में यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया के बाकी खूबसूरत पहाड़ों से कम ही रश होगा। और यहाँ पे कैंपिंग करने का बहुत मज़ा आता है, और बैक कंट्री अगर किसी को शौक़ हो तो पहाड़ों में निकल जाएँ। लेकिन वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत है, और ग्रिजली बेयर और बेयर और मुख्तलिफ वुल्फ की इकसाम पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर इन जंगलों में आप जाएं तो बेयर स्प्रे ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए और इस इलाके को एंजॉय करना चाहिए। मैंने वुल्व्स और बेयर का जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे रॉकी माउंटेन गोट, शीप और उसके अलावा डियर की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं, और एल्क, मूज यहाँ पे बहुत हैं। मगर नेशनल पार्क होने की वजह से शिकार की इजाज़त एज सच नहीं है। नेशनल पार्क के स्पेशल परमिट्स होते हैं जो बहुत ही कम दिए जाते हैं, वरना अमूमन नेशनल पार्क में शिकार की इजाज़त नहीं है। और वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट करने के लिए और वो ना डरें इसलिए यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाज़त भी नहीं होती। तो आप नीचे से ही व्यू नेशनल पार्क का एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सामने बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला नज़र आते हुए, और हमारे दोनों तरफ जंगल, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। और हम जा रहे हैं, दुनिया की बहुत कम रोड्स हैं जिस पे ड्राइव करते हुए आपको इतना मज़ा आता है और कोई बोरियत का एहसास नहीं होता, ये उनमें से एक है। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत लेक और सामने पहाड़ों का मंजर मौजूद है, और आगे हमारे राइट साइड पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्ट्रीम आ रही है। इसको स्ट्रीम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्या लफ्ज़ इसके लिए ठीक होगा, लेकिन समर में यहाँ पे कुछ पानी आता है, लेकिन पानी का लेवल इतना बड़ा नहीं होता और नीचे रेत है, जिसकी वजह से आप यहाँ काफ़ी दूर तक वॉक कर सकते हैं, और एक इल्यूजन आता है जैसे आप पानी पे वॉक कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है समर में ये। हमारे लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी झील जिसके लिए कोई टर्न आउट भी नहीं है। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत लेक्स हैं कि छोटी इस तरह की लेक्स के लिए ख़ास तौर पे टर्न आउट्स नहीं बनाए जाते। और ये जो लेक थी इसका रंग था टॉर्क्वाइज, जो कि यहाँ पे बहुत सारी लेक्स का ऐसा रंग है। सबसे मशहूर ज़माना लेक लुइस जो कि बैंफ में है, हम बैंफ की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उस पर बाद में कभी आपको लेक लुइस भी दिखाएंगे। मगर जैस्पर हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत और बर्फ पोश पहाड़, ये पहाड़ मशहूर हैं स्कीइंग के लिए भी, सामने वाले नहीं लेकिन ओवरऑल जैस्पर नेशनल पार्क में स्कीइंग भी होती है।
हम इस वक्त जैस्पर नेशनल पार्क में एंटर होने लगे हैं और जैस्पर नेशनल पार्क अल्बर्टा के 5 नेशनल पार्क्स में से एक है, जिसमें से 2 नेशनल पार्क रॉकी माउंटेन्स में मौजूद हैं, जो कि जैस्पर नेशनल पार्क और बैफ नेशनल पार्क, और इनसे साउथ में वाटरटन लेक्स नेशनल पार्क और एल्क आइलैंड नेशनल पार्क एडमंटन के पास है, और नॉर्थ में वुड बफलो नेशनल पार्क मौजूद है। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ ये जैस्पर नेशनल पार्क अल्बर्टा का एक जेम है बेसिकली। यहाँ पे कोलंबिया आइस फील्ड्स, जो कि बहुत बड़ा एक ग्लेशियर है, वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि जैस्पर से बैंफ की हाईवे पे आता है, और वो हाईवे एक बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसी रोड्स हैं जो कि इतनी खूबसूरत होंगी जितनी जैस्पर से बैंफ तक की रोड। और अभी हम जैस्पर के करीब से गुजर रहे हैं, जैस्पर टाउन के, एक टाउन भी है जैस्पर के नाम का। जैस्पर टाउन भी बहुत ही खूबसूरत है। आज चूँकि हमारी आखिरी मंजिल सिएटल वाशिंगटन है, हमारा सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए हम जैस्पर में नहीं रुकेंगे, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से बैंफ की हाईवे निकलती है, जो कि यहाँ से लेक लुइस तक जाती है, और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर्स, आबशारें और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स आते हैं। तो वो दुनिया की खूबसूरत हाईवेज में से मैं कहूँगा कि एक है। और यहाँ पे स्नो शुरू हो चुकी है और स्नो में सफ़र और भी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम अल्बर्टा से गुजर रहे हैं, और अल्बर्टा सस्केचुअन और ब्रिटिश कोलंबिया के दरमियान का एक लैंड लॉक्ड सूबा है, और इस सूबे का कुल रकबा 6,61,000 मुरबा किलोमीटर है, और यहाँ की आबादी 4.2 मिलियन है। सबसे बड़े शहर एडमंटन और कैलगरी हैं, और एडमंटन यहाँ का कैपिटल है। और इसके अलावा अल्बर्टा बहुत ही अमीर सूबा है, जिसकी वजह यहाँ पे ऑयल के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा $78,100 के करीब है, जो कि दुनिया के काफ़ी हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा में से एक है। अल्बर्टा का स्लोगन है वाइल्ड रोज कंट्री, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वाइल्ड रोज पाया जाता है यहाँ के जंगलों में। आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन होता है शायद। जैस्पर के बाद पहाड़ों की ढलवान शुरू हो जाती है, और बेसिकली रॉकी माउंटेन्स बॉर्डर हैं अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया का। तो पास ही ब्रिटिश कोलंबिया शुरू होने वाला है, और जैसे ही जैस्पर नेशनल पार्क का इख्तिताम होगा तो हम ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हो जाएंगे। और ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे पहले माउंट रॉबसन प्रोविंशियल पार्क है। तो ये सारे पहाड़ बेसिकली या प्रोविंशियल पार्क्स हैं या नेशनल पार्क हैं। इतने खूबसूरत एरिया को ये अच्छी बात है कि कनाडा ने प्रिजर्व किया है, क्योंकि नेशनल पार्क या प्रोविंशियल पार्क का स्टेटस मिलने से ये होता है कि वहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट और नए शहर डेवलप नहीं हो सकते, और उसके अलावा एक्टिविटी को मिनिमम रखा जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और वहाँ पे पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस एरिया में जिस तरह बहुत सारे यहाँ के ट्रीज़ और नेटिव एनिमल्स पाए जाते हैं, और उनको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और सामने ब्रिटिश कोलंबिया का बोर्ड नज़र आता हुआ, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया हमारा इस्तकबाल कर रहा है। माउंट रॉबसन नेशनल पार्क में हम एंटर हो चुके हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया ही वो प्रोविंस है जिसके बाद हम साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दाखिल होंगे, वाशिंगटन स्टेट में। और अभी ब्रिटिश कोलंबिया को इंजॉय करते हैं, जो कि अल्बर्टा की तरह बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है। Thank you.
अपने स्टेट ऑफ वाशिंगटन के रास्ते में मैं पहुंच चुका हूं ब्रिटिश कोलंबिया, और ब्रिटिश कोलंबिया का स्लोगन है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया, और अपने स्लोगन की तरह वाकई ब्यूटीफुल है। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे मूस लेक मौजूद है, बहुत ही बड़ी लेक है, साल के इस टाइम ये जमी हुई है, और इसके राइट साइड पे ट्रेन का ट्रैक गुजरता है, और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रोड ऊपर से जाती है और ट्रैक हमारे लेफ्ट पे आ जाता है उसके बाद, और ट्रेन जो है वो लेक के साथ साथ ट्रेन ट्रैक भी जाता है और रोड भी जाती है, और ये रोड हाईवे 16 है बेसिकली, और हाईवे 16 आगे जाके प्रिंस रूपर्ट की तरफ चली जाती है, तो इससे आगे हम साउथ की तरफ हाईवे 5 पे मुड़ेंगे। हाईवे 5 ट्रांस कनाडा हाईवे नहीं है, जो कि बीसी की प्रोविंशियल हाईवे है, और वो लोअर मेनलैंड वैंकूवर की तरफ जाती है, और हाईवे 5 को लोअर मेनलैंड से मिलाती है। ब्रिटिश कोलंबिया रकबे में अल्बर्टा से बहुत बड़ा है, तो यहाँ का कुल रकबा 9,44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और यहाँ की आबादी 5 मिलियन से ऊपर है। ब्रिटिश कोलंबिया अपनी खूबसूरती की वजह से यहाँ पे टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, और उसके अलावा टिम्बर, उसके अलावा बाकी वैंकूवर एक मेन पोर्ट है, और वहाँ पे टेक्स सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, तो सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी अहम है इस प्रोविंस की। उसके अलावा एग्रीकल्चर, जिसमें फ्रूट्स यहाँ पे बहुत उगते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम कदरे बेहतर है बाकी कनाडा से, तो एक बहुत ही खूबसूरत सूबा, एक बहुत ही अच्छा सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया। बीसी के बारे में जो एक चीज़ अच्छी नहीं है, अल्बर्टा में पीछे कई रेस्ट स्टॉप्स थे जहाँ पे वॉशरूम थे, सारे सर्विस थे, लेकिन यहाँ पे ये मेन सर्विस स्टॉप है माउंट रॉबसन, चार्जिंग पॉइंट्स हैं ईवीज के लिए, एंड विजिटर सेंटर, और विजिटर सेंटर के वॉशरूम्स बंद है। आउट हाउस है पीछे जो अनसर्विस्ड है कम्प्लीटली, और स्नो है काफ़ी सारी उस तक पहुँचने के लिए, सो बीसी गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग, बट जगह बहुत प्यारी है। आगे हमारे सामने हाईवे 5 और हाईवे 16 का जंक्शन आ चुका है, यहाँ से हम हाईवे 5 पे मुड़ेंगे जो कि कैमलूप्स और आगे वैंकूवर की तरफ जाती है। इस हाईवे पे अचानक से लैंडस्केप काफ़ी चेंज हो जाता है क्योंकि हम रॉकी माउंटेन से उतर चुके हैं, और यहाँ से निकल के कदरे छोटे पहाड़ों में दाखिल होंगे। बहुत ही लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा कि बीसी अपने स्लोगन पे पूरा उतरता है, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ लेकिन ये यहाँ का स्लोगन है, हर लाइसेंस प्लेट पे बेसिकली ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया लिखा है, तो आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आप एक खूबसूरत प्रोविंस में मौजूद हैं, जो कि आई थिंक कि ना भी कहा जाए तो फिर भी आपको सामने नज़र आ जाता है। हमारे ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, और कनाडा की ट्रेनों की ख़ास बात यह है कि ये लंबी बहुत होती हैं, तो आप कभी किसी ट्रेन के साथ से गुजरें तो ज़्यादातर माल बरदार गाड़ियाँ और बहुत ही दूर तक इनके डब्बे जा रहे होते हैं, और ज़्यादातर ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। हाईवे 5 के ऊपर वेल माउंट एंड कैमलूप्स की तरफ टर्न होने के बाद ये जैकमैन फ्लैट्स प्रोविंशियल पार्क, इसका एक टर्न आउट है, और यहाँ पर वॉशरूम एंड गारबेज डिस्पोजल, काफ़ी खूबसूरत जगह, पूरा बीच ही खूबसूरत है।
यहाँ सड़क गीली है तो लगता है कुछ ही देर पहले बारिश हुई है। वैसे तो विंटर में इस इलाके में ज़्यादातर बारिश नहीं, स्नो ही पड़ती है, लेकिन बाकी कनाडा से निस्बतन ये थोड़ा मॉडरेट एरिया है, तो बारिश हो भी जाती है कभी कभी। वैसे तो हाईवे 5 पे मैंडेटरी विंटर टायर्स हैं थ्रू आउट विंटर, जो कि मेरे ख्याल से होने चाहिए क्योंकि पहाड़ों पे हाईवे मौजूद है, और अगर आप समर टायर्स में आएँ विंटर में और यहाँ पे स्नो पड़ रही हो तो रोड पूरी कवर्ड होगी स्नो से, तो एक्सीडेंट का काफ़ी ख़तरा है, जिसकी वजह से विंटर टायर इस हाईवे पे मैंडेटरी हैं। हमारे सामने नॉर्थ थॉम्पसन रिवर के ऊपर से गुजरता हुआ एक खूबसूरत ब्रिज। हाईवे 5 के दो सेक्शन हैं, एक वेल माउंट से लेके कैमलूप्स तक और दूसरा कैमलूप्स से होप तक, जो कि वैंकूवर के पास है। तो बेसिकली इस नॉर्थ सेक्शन में जो हाईवे है वो नॉर्थ थॉम्पसन रिवर के साथ से गुजरती है, तो कभी नॉर्थ थॉम्पसन रिवर रोड के राइट साइड पे होता है और कभी रोड के लेफ्ट साइड पे। और इस जगह पे इस हाईवे को येलो हेड हाईवे कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से गुजरती हुई हाईवे है। बेशक ये हाईवे प्रोविंशियल बीसी की हाईवे है, लेकिन ये ट्रांस कनाडा हाईवे से ज़्यादा अहम है, क्योंकि ट्रांस कनाडा हाईवे 16 सीधा प्रिंस रूपर्ट की तरफ चली जाती है, जो कि नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया का एक पोर्ट है, लेकिन क्योंकि बहुत नॉर्थ में है इसलिए वो पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और साउथ में वैंकूवर का पोर्ट मेन पोर्ट्स में से है, इसलिए ये हाईवे चूँकि वैंकूवर को कनेक्ट करती है ट्रांस कनाडा हाईवे से, तो इसलिए बहुत ही अहम है। दूसरा साउथ कॉरिडोर जो है हाईवे 1 का, वो विंटर में उसकी स्लोप काफ़ी ज़्यादा है जब वो बैंफ के पहाड़ों से नीचे उतरता है, जिसकी वजह से अक्सर सर्दियों में वो कॉरिडोर बंद रहता है, तो ज़्यादातर कमर्शियल ट्रैफिक इस कॉरिडोर को यूज़ करती है, जो कि हाईवे 16 से होता हुआ फिर हाईवे 5 के थ्रू वैंकूवर की तरफ जाता है। तो ये हाईवे कनाडा के बिजीएस्ट हाईवेज में से एक है यहाँ वेस्टर्न कनाडा में, लेकिन फिर भी जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक ना होने के बराबर है इस हाईवे पे। इस हाईवे के साथ से कैनेडियन नेशनल रेलवे का ट्रैक भी गुजरता है, जो कि हाईवे के साथ साथ चलता है, और रिसेंटली एक पाइपलाइन की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक पाइपलाइन पहले से मौजूद है, लेकिन एक नई पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि अल्बर्टा से ऑयल लेके पोर्ट तक जाएगी, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से सारे कंस्ट्रक्शन मार्किंग्स हर जगह पे मौजूद हैं और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स भी मौजूद हैं, लेकिन हाईवे के ट्रैफिक में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है इसकी वजह से। सिर्फ आपको इर्द गिर्द थोड़ी सी खुदाई हुई नज़र आएगी, जो कि ज़रा नेचुरल ब्यूटी को कम करती है, लेकिन फिर भी ठीक है। इस पाइपलाइन की बहुत ही मुखालफत होती रही एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से, लेकिन कनाडा की इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, इसलिए पाइपलाइन बन रही है, और बेसिकली दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं, लेकिन इकॉनमी को चलने के लिए इस तरह की पाइपलाइंस की ज़रूरत है, और एक यहाँ पर बन रही है। ये हाईवे 5 पे एक रेस्ट स्टॉप बीसी में
ईवी चार्जर्स बहुत हैं, तो डेफिनेटली सस्केचुअन से काफ़ी आगे है। ये मेरे पीछे ईवी चार्जर एंड काफ़ी अच्छा रेस्ट स्टॉप है। आई डोंट नो विच वन, क्योंकि बहुत सारे आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। आई बीन टू बीसी बिफोर, लेकिन उस वक्त मैं ब्लॉग्स भी बनाता था तो आप लोगों को नहीं दिखाया। ये ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरे हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया के छोटे छोटे टाउन्स का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये एक छोटा सा टाउन जिसका नाम ही लिटिल फोर्ट है, ये यहाँ पे है, जहाँ पे एक गैस स्टेशन और कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स और रेस्ट एरियाज़ वगैरह हैं। बहुत ही खूबसूरत टाउन्स हैं ये वाले। यहाँ पे रहने वाले लोग एक तरह की जन्नत में ही रह रहे हैं, हर वक्त पहाड़ों का व्यू नज़र आता रहता है और बहुत ही पुरसकून लाइफ है यहाँ की। Thank you.
ये भी रूरल एरिया है जहाँ पे फार्म लैंड्स ही हैं। एक तरफ सस्केचुअन के फार्म्स थे जहाँ जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ा लें आपको दूर दूर तक तहद नज़र कुछ नहीं नज़र आएगा खेतों के अलावा, लेकिन यहाँ पे आपको जिस भी तरफ नज़र दौड़ाएं आपके सामने पहाड़ होंगे, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ। तो बहुत ही ग्रीन एरिया है कंसिडरिंग के अभी सर्दियाँ हैं और सर्दियों में भी ये इतना ग्रीन है तो गर्मियों में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में हर साल गर्मियों में आग लगती है जिसकी वजह से इतना भी कोई आइडियल नहीं है। वो फॉरेस्ट फायर कई दफ़ा बढ़ के पूरे टाउन्स को जला देती हैं। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले एक छोटा टाउन लिटन बीसी इस जगह के करीब ही है हाईवे 5 के करीब और वो पूरा टाउन ही जल गया था फॉरेस्ट फायर से। तो हर साल तकरीबन यहाँ फॉरेस्ट फायर्स रहती हैं गर्मियों में और जिसकी वजह से बहुत धुआं रहता है, लेकिन सर्दियों में बहुत खूबसूरत है और गर्मियों में जिस साल आग ना लगे तो बहुत ही इससे आइडियल जगह मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ही कोई हो। और भी जगहें हैं बहुत खूबसूरत दुनिया में, लेकिन ये उनमें से एक ये भी है। हम बैरियर नाम के एक छोटे से टाउन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे पहाड़ों का थोड़ा सा टेक्सचर तब्दील हो चुका है और खुश्क पहाड़ हैं थोड़े। पीछे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन थे, लश ग्रीन, यहाँ पे उतने ग्रीन नहीं हैं। और आगे इससे फर्दर साउथ में ओकनागन वैली ज़रा खुश्क मानी जाती है, लेकिन ये टाउन्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। और अच्छा है कि यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स हैं कि अगर आप की गाड़ी के साथ कोई मसला हो तो आपको हेल्प मिल सकती है। वैसे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाते हैं और सफ़र आसान हो जाता है इस तरह के छोटे टाउन्स के हर कुछ हर देर बाद आने से। हम इस वक्त कैमलूप्स से आगे होप की तरफ जा रहे हैं और यह कैमलूप्स से होप की तरफ बहुत ही खूबसूरत हाईवे 5 का साउथ सेक्शन जिसको काकुई हला हाईवे कहा जाता है। और बेसिकली ये हाईवे इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर्स पर आवर है और मैंने कनाडा में अभी तक कोई और हाईवे नहीं देखी जो इतनी स्पीड पर जाती हो। शायद कोई हो ईस्टर्न कनाडा में, लेकिन वेस्टर्न कनाडा में ज़्यादातर 110 स्पीड लिमिट की हाईवेज़ हैं, ये 120 की है। और
बहुत चौड़ी बहुत खुली हाईवे है, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द मौसम में तब्दीली आती है जिसकी वजह से इसको एक बहुत ख़तरनाक हाईवे समझा जाता है। यहाँ पे इसकी एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाती है जहाँ स्नो पड़ती है, और उसके बाद एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं इस हाईवे पे, जिसकी वजह से एक प्रोग्राम, बहुत मशहूर प्रोग्राम टीवी पे चलता है हाईवे थ्रू हेल के नाम से, उसमें भी बहुत सारी एपिसोड में इसी हाईवे को फीचर किया गया है, जिसमें ट्रक्स के एक्सीडेंट्स के बाद उनको रिकवर और टो किया जाता है। और इस हाईवे के बारे में मशहूर है कि ये अक्सर सर्दियों में बंद हो जाती है बहुत ज़्यादा स्नो पड़ने की वजह से, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को कई दफ़ा कुछ रातें यहाँ पे गुजारनी पड़ती हैं। कोशिश की जाती है इस हाईवे को मसलसल क्लियर रखने की, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, और यहाँ पे लोगों को रातें भी गुजारनी पड़ती हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि कनाडा में आप कभी भी विंटर में ट्रैवल कर रहे हों तो आपके पास कुछ देर सर्वाइव करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उसके अलावा खाने पीने का कुछ सामान आपके साथ होना चाहिए। लेकिन आज मौसम बेहतर है, यह हाईवे वैसे बहुत ही इसकी तेज़ स्पीड लिमिट होने की वजह से वक्त का पता नहीं चलता, और आप बहुत जल्द दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जो इसका आखिरी एंड है होप, वो बेसिकली वैंकूवर के काफ़ी करीब है, उससे आगे ही काफ़ी ज़्यादा आबादी शुरू हो जाती है, जिसको एक तरह से आप ग्रेटर वैंकूवर एरिया कह सकते हैं। ग्रेटर वैंकूवर वैंकूवर के ज़रा ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी होप तक मुसलसल आबादी चलती है कुछ खाली पैचेस के अलावा, तो ऑलमोस्ट आप वैंकूवर के पास पहुंच जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस हाईवे। और मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे मौसम अचानक तब्दील होता है, और अचानक से हमें स्नो नज़र आ गई, तो लगता है कि आगे स्नो हो रही है। होपफुली हाईवे थ्रू हेल वाला सीन नहीं होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। इस हाईवे की रेपुटेशन थोड़ी ठीक ही है, क्योंकि मौसम अचानक से तब्दील हुआ और बहुत ही ज़्यादा स्लशी और वेट टाइप की आइसी कंडीशंस है। बहुत ज़्यादा भी आइसी नहीं कहूँगा, लेकिन कोई आइडियल कंडीशंस नहीं है ड्राइविंग के लिए, और स्पेशली क्योंकि पहाड़ों की ड्राइविंग है, तो इस हाईवे पे अचानक कुछ मोड़ आते हैं जो कि ज़रा ख़तरनाक होते हैं, और इसमें आपको ख़ुद ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हाईवे के साइंस में कहीं भी आपको स्पीड रिड्यूस करने की वार्निंग कम ही दी जाती है, और 120 की स्पीड लिमिट है, तो अगर आप स्पीड लिमिट या उससे कुछ ऊपर जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में ज़रा ख़तरनाक हो सकता है। और होपफुली कंडीशंस बेहतर होंगी, इससे वर्स नहीं होंगी, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर पास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, लेकिन यहाँ कुछ बेहतरी की तरफ लग रहा है। फाइनली स्नो ख़त्म हो चुकी है, जैसे ही हम नीचे की तरफ उतरे मौसम काफ़ी बेहतर है, और आगे बहुत ही खूबसूरत पहाड़, पूरा ही ब्रिटिश कोलंबिया खूबसूरत है, जैसे पीछे एक खूबसूरत रास्ता आया है आगे भी उसी तरह का लश ग्रीन एरिया है, और यहाँ पे अब होप ज़्यादा दूर नहीं है, और उससे आगे US बॉर्डर, तो ऑलमोस्ट अपनी मंजिल की तरफ पहुँच चुके हैं। इस हाईवे का नाम कोकोहला, बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये एक यहाँ की लोकल लैंग्वेज की वजह से ये नाम दिया गया है इसको। जो इसके साथ से दरिया बहता है उसका नाम बेसिकली कोकोहला है, तो अच्छा है लोकल लैंग्वेजेस में नाम देने चाहिए।
जिससे यहाँ का जो असल ट्रेडिशन था और ट्रेडिशनल लोग थे जगहों के नाम उन्हीं के नामों पर होने चाहिए। मौसम काफ़ी अच्छा और क्लियर हो चुका है और धूप निकल आई है, होपफुली आगे भी ऐसा ही रहे। वैसे गाड़ी में स्टडेड विंटर टायर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से टेंशन इतनी नहीं है, लेकिन इस हाईवे की रेपुटेशन है कि सर्दियों में कभी भी कुछ भी हो सकता है इस हाईवे पे, तो होपिंग फॉर द बेस्ट क्योंकि धूप एक अच्छा साइन है और आगे होपफुली अच्छा ही रहेगा वेदर। अभी जिक्र किया कि वेदर अच्छा हो चुका है और धूप निकल आई है, आगे फिर स्नो शुरू हो गई तो बिल्कुल सही रेपुटेशन है इस हाईवे की, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो बी प्रिपेयर्ड, विंटर में आ रहे हैं तो विंटर टायर्स लाजमी हैं, बल्कि यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ है और पुलिस बाकायदा चेक करती है कई दफ़ा। आज हमें नहीं चेक किया लेकिन चेक कर सकते हैं कि आपके टायर कौन से हैं, इस विंटर अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं, क्योंकि मौसम वाकई अचानक तब्दील हो जाता है और इससे बुरा भी हो सकता है। 10 से 20 सेंटीमीटर स्नो यहाँ पे कुछ देर में पड़ जाना आम सी बात है, तो यहाँ के लिए प्रिपेयर होके आना चाहिए और आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा गर्म कपड़े और उसके अलावा खाना वगैरह होना चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सकें। हम ऑलमोस्ट होप के करीब पहुंच चुके हैं और शाम हो चुकी है, रोशनी काफ़ी कम हो गई है और आगे बॉर्डर भी करीब ही है। इसके आगे गोप्रो की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी लो लाइट की वजह से, इसलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।